हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते तुर्कमेनिस्तान से भारत पहुंचने वाले गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम थोड़ा और आगे बढ़ गया है। इस गैस प्रोजेक्ट का नाम है तापी, यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया। दोस्तों, क्या है ये प्रोजेक्ट और इससे क्या होने वाले हैं फायदे, इसके बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ साल से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी खराब रहे हैं और बातचीत की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ गया है। चार देशों को शामिल कर शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। दोस्तों, तापी यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, चारों देश मिलकर इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर रहे हैं। अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट पर गुरुवार को एक अहम समझौता हुआ। यह समझौता पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच हुआ। समझौते पर पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुस्दिक मलिक और तुर्कमेनिस्तान की तरफ से राज्य मंत्री तुर्कमेन गैस के अध्यक्ष मस्कट बाबा एव ने दस्तखत किए। दोस्तों, इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरे क्षेत्र के लिए यह अहम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र में सहयोग और समृद्धि का एक नया युग आने की उम्मीद है। दोस्तों, तापी प्रोजेक्ट के 2019 में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इसका काम अटक गया था। दोस्तों, क्या है तापी प्रोजेक्ट, चलिए जानते हैं। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, पहले इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में पाकिस्तान और इंडिया के शामिल होने के बाद इसका नाम तापी हो गया। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए चारों देशों ने मिलकर एक कंपनी भी बनाई है। इस कंपनी का नाम है गल्किनिस तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड। इस प्रोजेक्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पार्टनर है। इस प्रोजेक्ट के तहत तुर्कमेनिस्तान के गल्किनिस गैस फील्ड से गैस की सप्लाई होगी। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड है। दोस्तों, ये गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान से भारत पहुंचेगी। तुर्कमेनिस्तान के गल्किनिस गैस फील्ड से गैस की सप्लाई होगी। ये पूरी पाइपलाइन 1814 किलोमीटर लंबी होगी। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान तक इस पाइपलाइन की लंबाई करीब 214 किलोमीटर होगी। इसके बाद ये पाइपलाइन अफगानिस्तान के हेरात और कंधार प्रांत से गुजरेगी। अफगानिस्तान में इस पाइपलाइन की लंबाई करीब 774 किलोमीटर होगी। दोस्तों, अफगानिस्तान से होते हुए पाइपलाइन पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान से गुजरेगी। आखिर में ये पाइपलाइन भारत के पंजाब के फजिलका शहर तक पहुंचेगी। पाकिस्तान से भारत तक इस पाइपलाइन की लंबाई 826 किलोमीटर होगी। दोस्तों, इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है वो 10 अरब डॉलर है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद गैस के लिए चीन और रूस पर डिपेंडेंसी कम होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए नवंबर 2014 में तापी पाइपलाइन कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी में 85% जो है हिस्सेदारी वो तुर्कमेनिस्तान की सरकारी कंपनी तुर्कमेन गैस की है। दोस्तों, इसके अलावा इस कंपनी में 5-5% की हिस्सेदारी अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया की है। अफगान गैस जो अफगानिस्तान की कंपनी है, इंटर स्टेट गैस सर्विस जो पाकिस्तान से है, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन ऑयल इसमें हिस्सेदार हैं। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक इस गैस के खरीदार अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत होंगे। इन्हें यह गैस तुर्कमेन गैस से मिलेगी। पाइपलाइन के जरिए हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। इसमें से 5 अरब क्यूबिक मीटर गैस अफगानिस्तान को मिलेगी, जबकि पाकिस्तान और भारत को 14-14 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई होगी। दोस्तों, इस पाइपलाइन गैस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत की गैस के लिए चीन और रूस पर निर्भरता कम होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत के 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है। गैस बेचने से तुर्कमेनिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हर साल
ट्रांजिट फीस भी मिलेगी। दोस्तों, भारत सरकार के मुताबिक फजिलका शहर में इस पाइपलाइन के आने से इलाके में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, 90 के दशक में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई थी। तुर्कमेनिस्तान ने अपने गैस भंडार से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को गैस सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि चारों देशों के बीच समझौता होने में 20 साल का समय लगा। 2010 में जाकर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। मई 2012 में जाकर बायलेटरल सेल एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। 2013 में चारों देशों की सरकारी गैस कंपनी को तापी पाइपलाइन कंपनी का हिस्सेदार बनाया गया। दिसंबर 2015 में तुर्कमेनिस्तान में इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ। 2019 में यह प्रोजेक्ट पूरा होना था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और अफगानिस्तान में तालिबान के आने के कारण अटक गया। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।